गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट एसएस सब्जेक्ट चैप्टर 10 द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच वॉज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन विच वी हैव कम्प्लीटेड द लेजिस्लेचर पॉइंट्स। तो इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था और लेजिस्लेचर में हमने दो टाइप के बारे में बात की थी, जो थी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और दूसरा था बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो होता है उसमें एक ही हाउस होता है जिसे हम एक ही हाउस होता है और इसीलिए उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, तो उसके दो हाउस होते हैं और इसी की वजह से उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो जो अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होता है उसे राज्यसभा कहा जाता है, जो लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। और स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में लेजिस्लेचर जो है दो चीज़ कंसिस्ट करता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यानी सेंट्रल लेवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा बना हुआ है और स्टेट लेवल के लिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के पास क्या है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। और जैसे बिहार ये सब उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों ही चीज़ है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब हम आज बात करने वाले लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, पार्लियामेंट लोकसभा की। और लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पार्लियामेंट में लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है और लोकसभा में जो है जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो लोगों की तरफ से उसे जो है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जो है चुना जाता है। और लगभग लोकसभा में जो है 545 मेंबर्स है और उसमें से 545 मेंबर्स जो है उसमें से 2 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। यानी टोटल 545 में से 2 मेंबर जो है ऐसे होते हैं जिसे प्रेसिडेंट चुनता है। अब प्रेसिडेंट कौन होता है, तो पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो वो कोई भी मीटिंग हेल्ड कर सकता है पार्लियामेंट में, चाहे वो जॉइंट भी कर सकता है या फिर सिंगल इंडिविजुअल भी कर सकता है, ठीक है। यानी वो मीटिंग रख सकता है लोकसभा की अलग से और राज्यसभा की अलग से, या तो दोनों का साथ में भी मीटिंग रख सकता है, ठीक है, जिसे जॉइंट सेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 545 और उसमें से 2 मेंबर्स जो है वो कौन चुनता है, तो प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने देखा था कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस कहलाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट का होता है, तो पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का अधिकार होता है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो कोई भी पहली भी मीटिंग जो पार्लियामेंट की है वो भी हेल्ड कर सकता है और साथ ही साथ में जॉइंट सेशन भी रख सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की मीटिंग साथ में भी रख सकता है, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी ऐसे मीटिंग में अटेंड नहीं करता, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन समन्स बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन विथहोल्ड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखो प्रेसिडेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो अलग अलग दोनों की मीटिंग रख सकता है, एक साथ भी मीटिंग रख सकता है, या तो मीटिंग ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। और कोई भी बिल जो पास होता है पार्लियामेंट से 3 बार रीड होने के बाद वो कब तक वैलिड माना जाएगा, जब तक अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तब तक वो इनवैलिड ही रहेगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो बिल जो है वो वैलिड हो जाएगा और पास हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है, और इसकी वर्किंग जो है वो 5 ईयर्स तक रहती है। और इफ़ इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द टर्म, तो देखो जितने टर्म है उतने टाइम के हिसाब से अगर वो कम्प्लीट नहीं होता तो क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट, हेंस द पार्लियामेंट हैज़ टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और इसके अलावा लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा
चुने जाते हैं, और लगभग इसमें 545 मेंबर्स है, और इसमें से दो मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है, और प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक पार्ट है, और प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग रख सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ज्वाइंट भी रख सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये अधिकार भी है कि वो अलग अलग एक अलग अलग मीटिंग भी रख सकता है, और साथ में भी मीटिंग रख सकता है, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है। और कोई भी बिल जो है वो तीन रीडिंग के बाद लोकसभा से पास होके पार्लियामेंट से पास होके जो है प्रेसिडेंट के पास आती है, और प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता तो वो बिल पास नहीं होता, ठीक है। और इसी के बाद लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, और इसकी इसके काम जो है वो 5 साल तक चलते हैं, ठीक है, और उससे पहले जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी बंद नहीं हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो सबसे सुप्रीम यानी ऊपर है, और ना कि पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट को जो है कुछ पावर्स दिए गए, मगर उसमें भी कुछ लिमिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी पार्लियामेंट को भी उसी इस हिसाब से चलना पड़ेगा जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। और कोई भी लॉ जो है वो पार्लियामेंट अगर डिसाइड करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है प्रॉब्लम पहुंचाता है, तो तब ये चीज़ जो है कोर्ट में केस बन के जाती है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होके कोई भी लॉज जो है नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसा चीज़ होता है तो उसे कोर्ट में उठ के उसके खिलाफ केस हो सकता है। इफ़ द कोर्ट फाइंड द फ्रेम लॉ अगेंस्ट द प्रोविजन, और कोर्ट को अगर ऐसा चीज़ पता चल गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के विरुद्ध है, तब जाके जो है ऐसे लॉ को पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। अब देखो लोकसभा का अगर मेंबर बना है तो हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और क्या क्या हमें होना हमारे पास क्या क्या स्किल होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक कैंडिडेट जो है वो कब चुना जाता है, ठीक है। तो एक कैंडिडेट बनने के लिए हमें लगभग जो है लोकसभा का कैंडिडेट बनने के लिए पहले तो हमें इंडिया का सिटीज़न होना पड़ेगा, और लगभग हमारी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आर ही और सी नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, ही सी शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं अनप्लेजेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी उसे जो है पूरी तरह से देश को अपनाना पड़ेगा, मेंबर्स के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा, ना कि भागना, ये सब चीज़ें के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो अगर तुम्हें लोकसभा का मेंबर बनना है, ठीक है, तो इसलिए इससे तो तुम्हें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे काम नहीं करना, ठीक है, नहीं एम्प्लॉय नहीं होना पड़ेगा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए लगभग जो है एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और हमारी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश होना चाहिए, और हमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और देयर शुड बी पीरियड ऑफ 6 months बिकम टू सीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड इट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ए मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ द हाउस पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस एंड अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, ठीक है। उसके आगे की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बोल रहे थे हम, तो हमारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एन पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन टू सीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ए प्रेजिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 6 महीने में जो है 2 बार सीटिंग रखी गई जाएगी, और उसके बाद प्रेजिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व करेगा प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, और ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, बट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इवन इफ ही सी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, बट इफ ही सी इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस देन ही सी कैन वोट इन द हाउस ओनली। स्टेट ऑफ गुजरात हैज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 26 मेंबर्स इन द लोकसभा एंड द टर्म ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years, बट द प्रेजिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर दैट। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 6 मंथ की जो है सीटिंग होगी, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की मदद से, ठीक है। और एक मेंबर जो पार्लियामेंट का होता है कोई भी हाउस से, ठीक है, और वो सब वोट कर सकते हैं। और फिर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो दोनों ही हाउस में जो है अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का, ठीक है,
और वो मेंबर कहाँ का होना चाहिए, तो अपर हाउस का होना चाहिए, और यही जो है वोट कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो लगभग जो है उसमें टोटल 26 मेंबर्स है लोकसभा के, और लोकसभा जो है लगभग 5 साल तक काम करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब। ठीक है, और इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि लोकसभा की जो है तारीख भी बढ़ सकती है कब, जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाए। यानी समझ लो लोकसभा ने बहुत ही अच्छा काम किया है तो उसका 1 साल बढ़ भी सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है, और इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है, और इसे कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा। कोरम, कोरम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो कोरम किसे बोला जाता है, तो कोरम मतलब होता है कि कितने सारे मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट है उसे ही जो है कोरम कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, तो एक नंबर है जिससे हमको ये पता चलता है कि एक हाउस में कितने मेंबर्स प्रेजेंट है और कितने लोग जो है काम कर रहे हैं एक तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर को ही जो है कोरम बोला जाता है। ठीक है, द मिनिमम कोरम ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं, कोरम कितना है, तो 1/10 है। आउट ऑफ 545 मेंबर्स 55 शुड बी प्रेजेंट। सिमिलरली द मिनिमम कोरम ऑफ द राज्यसभा 2 शुड बी 1/10 आउट ऑफ 250। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकसभा में लगभग 545 में से 1/10 मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिमम होता है, और राज्यसभा की बात करें तो 250 में से 1/10 जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1/10 मेंबर्स ही उसके अंदर प्रेजेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिर से एक बार लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा का अगर मेंबरशिप चाहिए तो उससे पहले तुम्हें इसका होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीज़न होना पड़ेगा, लगभग तुम्हारी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और तुम्हारा माइंड एकदम शांत होना चाहिए और इंसॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा तुम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 6 महीने बाद सीटिंग होगी पार्लियामेंट में, और उसके बाद ही जो है तुम्हारा फैसला लिया जाएगा। और एक प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को कब डिसॉल्व कर सकता है, जब प्रेसिडेंट का हुक्म हो तब। ठीक है ना, प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है जब प्राइम मिनिस्टर उसको आज्ञा दे तब। ठीक है, और एक मेंबर जो पार्लियामेंट का है वो वोट कर सकता है। ठीक है, कोई भी हाउस का हो मगर वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, और स्टेट ऑफ गुजरात की बात करेंगे तो इसमें लगभग जो है 26 मेंबर्स है लोकसभा में, और लोकसभा का काम कितना होता है, तो 5 साल का होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है जब भी उसको ज़रूरत हो तब। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो लोकसभा जो है 1 साल बढ़ा भी सकता है, और ठीक, और इसी तरह से जो है प्रेसिडेंट डिसॉल्व करना चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, और इसे जो है कोर्ट में डिस्कस भी नहीं किया जाता। कोरम की बात करें तो कोरम क्या है, तो नंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउस में कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसे कोरम कहा जाता है। ठीक है, और हम आज मिनिमम कोरम्स की बात करेंगे तो लोकसभा में मिनिमम कोरम कितना होता है, तो 1/10 होता है, जो 545 मेंबर्स में से 55 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी में से राज्यसभा में बोला जाए तो 1/10 उसमें भी होता है, 250 में से 25 लोग जो है प्रेजेंट होते हैं उसमें। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जो है अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और हम बोल सकते हैं वो जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें लगभग जो है 250 मेंबर्स है, और द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो और जो मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, असेंबली से। ठीक है, और एंड द यूनियन टेरिटरी थ्रू ए मेथड ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड। ठीक है, तो उसमें से हम बात करें तो 238 मेंबर्स जो राज्यसभा के होते हैं वो इलेक्टेड इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, और बाकी के जो 12 मेंबर बनते हैं वो कौन चुनता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है। ठीक है, द दिस नॉमिनेटेड मेंबर शुड बी, और ये मेंबर्स जो 12 मेंबर्स है उसे किस तरह से चुना जाता है, तो उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस से चुना जाता है। जैसे लिटरेचर में अगर कोई उनका नॉलेज है तो उसको लिटरेचर के हिसाब से चुना जाता है, साइंस आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स, यानी इसमें से कोई भी अगर उनके पास नॉलेज है उनके पास स्किल है तो उन्हें उस लिए उससे मेंबर्स को चुना जाता है। ठीक है,
और नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मेंबर नहीं हो सकता जो दोनों में दोनों सभा में जो है मेंबर हो, ठीक है। या तो वो लोकसभा में मेंबर होगा या तो वो राज्यसभा में मेंबर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें जो है लोकसभा का जो पैराग्राफ है उसे 2 टाइम जो है अपनी नोट में लिख के रखना है, और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप जो है उसमें जो क्रिमिनल तक का पॉइंट है ना वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और कोरम का मतलब क्या, तो वो भी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। थैंक यू।